बोकारो से झारखंड प्रभाकर कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभाकर, कुछ देर पहले हम आपको प्रदूषण पर देख रहे थे, लेकिन अब हम आपसे राजनीति की बात करेंगे। ये आज जब प्रचार थम गया है, क्या आकलन? आप मुस्कुरा रहे हैं वहां पर। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ निधि, क्योंकि प्रदूषण पर जब बात हो रही थी तो मैं ऐसे मौसम में हूँ जहाँ पे कोई प्रदूषण की बात नहीं कर रहा, बहुत हरा भरा शहर है। तो छोटे शहर का कुछ फ़ायदा होता है, अगर आप बड़े शहर में हैं तो उसका कुछ नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए जब आपने ये बात की तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। जहाँ तक चुनाव की बात है, ये दूसरे चरण का चुनाव होना है और 38 सीटों पे वोट पड़ेंगे निधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ी है दोनों तरफ से, और बड़े नेता दोनों तरफ से जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, और आप जितने भी बड़े नाम दोनों तरफ से बोल सकते हैं, वो मैदान में जुटे हुए थे। बड़े चेहरे भी चुनाव में इस बार उनके भविष्य का फैसला होगा, चाहे वो खुद हेमंत सोरेन हो, मुख्यमंत्री हो, उनकी वाइफ कल्पना सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ में अभी भाजपा के झारखंड के अध्यक्ष भी हैं, और हेमंत ये आजसू के अध्यक्ष हैं सुबोध महतो, वो भी हैं, सुदेश महतो हैं। तो इस तरह से काफ़ी बड़े चेहरे हैं जिनके भाग्य का फैसला होगा। ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है दूसरे पक्ष का, ये संथाल परगना और कोयलांचल का इलाका है। संथाल परगना जो है वो उसकी राजधानी दुमका बोली जाती है, वो झारखंड का वो इलाका है जिसमें दुमका, देवघर, साहिबगंज, गुड्डा, पाकुड़ ये ज़िले पड़ते हैं। और साथ ही जो ये इनका इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जो इनकी औद्योगिक नगरी है, चाहे वो धनबाद हो या बोकारो हो, इसे कोयलांचल बोलते हैं। ये खनिज वाला इलाका है, यहाँ सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। इन दो इलाकों में मुख्य तौर पर चुनाव होगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है निधि, क्योंकि जो आदिवासी वोट में सेंध लगाने की बीजेपी कोशिश कर रही थी, उसकी परीक्षा एक्चुअल में संथाल परगना में होगी, क्योंकि वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जेएमएम की वो की मजबूत पकड़ है वहाँ पे, वहीं से जेएमएम का जन्म हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा वहाँ पे जेएमएम को चोट पहुँचा पाई है कि नहीं पाई।